आपके कहाँ से हैं और ये मेरा नाम मोहम्मद यूनुस अंसारी है और मैं झारखंड से आया हूँ। बहुत दूर से आया सर? जी सर। कहाँ जाना है? बस यही आए हैं दिल्ली, उसके बाद फिर अजमेर को जाना है। कैसे लग रहे हैं सर आपको? सर यार दिल्ली में तो देखने के बाद लगता है कि ये बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ जो भी आया है बहुत खूबसूरत माहौल है और हर तरह का व्यवस्था है। केजरीवाल की बहुत बहुत शुक्रिया है। सुविधाएं कैसी हैं और दिल्ली में? बहुत खूब सुविधा है सर, बहुत हर एक चीज़ का सुविधा है, यहाँ किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं। जो पहले आप स्टोव लेके चलते थे उन्होंने वो भी खत्म करवा दिया है। खाने वाने की व्यवस्था है? जी सर, जी सर, सब चीज़ का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम का है और नहाने का है, सब चीज़ का व्यवस्था है सर। कव्वाली देखने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, सब चीज़ का अलग अलग व्यवस्था बनाया गया है। आइए इधर, आप आइए चाचा, इधर आओ। हाँ चाचा इधर आओ, आओ भाव। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और कैसे लग रहे हैं? हमारा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं झारखंड से आया हूँ, हजारीबाग से, और यही देखने के लिए मैं तजारत करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ आज कव्वाली का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है, बहुत खुशी लग रहा है और यहाँ का सजावट भी जो है बहुत अच्छी तरीक़े से है और हर चीज़ का खाने पीने का सुविधा, लैट्रिन बाथरूम का सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ। हर साल सब ही अच्छा ही इंसान। दो साल बाद उर्स का मेला 15 तो कितना जायरों में कितना उत्साह है? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे हैं कि दो साल बाद किसी दरगाह पे जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि दो साल से तो कोरोना में सब बंद था। बंद था, सारा बंद था, तो सारा बंद था, इंशाल्लाह खुला है इंशाल्लाह, और बहुत खुशी का माहौल है और बहुत इत्मीनानी के साथ काम हो रहा है। हर चीज़ का व्यवस्था यहाँ है, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है पब्लिक का। आप बोलोगे कुछ? आओ बताओ क्या नाम है आपका और कहाँ से है और क्या लग रहा है आपको? मेरा नाम मोइनुद्दीन आलम है, हम बिहार से हैं जी। ये हम बिहार से, मैं सारण जिला से हूँ और ये हम लोग का 2 साल जो नागा हो गया इसके लिए हम लोग का बहुत अफसोस भी है और ये जा रहे हैं तो दिल में तमन्ना है कि हम आए हैं बिहार से और जाएंगे दरगाह पे अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे। कुछ मैं एक पहली बार जा रहा हूँ, मेरे घर से जाते हैं लोग और बहुत खुशी की बात है यहाँ पर कि दिल्ली में जो केजरीवाल साहब की सरकार है इतना बेहतरीन व्यवस्था। हम इतना 10-15 दरगाह घूमे हैं मगर इतना बेहतरीन कहीं पे व्यवस्था नहीं हुआ है और यहाँ पे कव्वाली का भी प्रोग्राम रखा गया है, बहुत बेहतरीन। मैं तो ऐसा लग रहा दिल में बहुत दिल में तो इतना ना खुशी है कि मैं आपसे जा ही नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे? आइए बताइए क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? अनस करनी नाम है, मैं झारखंड बोकारो डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हम लोग निकले थे अजमेर शरीफ जियारत के लिए, तो अभी फिलहाल हम लोग दिल्ली पे रुके हुए हैं, कल तक रुकना है, फिर कल निकलेंगे यहाँ से राजस्थान के लिए। तो यहाँ पे आए तो देखें कि जो मतलब मैनेज किए हैं हम लोग के रहने के लिए वो इतना शानदार है, इतना खूबसूरत है, किसी स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हम लोग आज तक नहीं देखे थे। बस हम लोग इंटरनेट पे यूट्यूब पे देखते हैं कि केजरीवाल सरकार ऐसा करते वैसा करते, तो हमको ये बिलीव नहीं होता था कि कोई आदमी इतना फ्री में कैसे करता है। बट आज हम अपने आँखों से देखे हैं, सरकार यहाँ दिल्ली की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे देश, हमारे इंडिया को ऐसे ही सरकार की ज़रूरत है। अगर ऐसा सरकार हमारे इंडिया में हर स्टेट में आएगी तो हम दावा करते हैं कि कोई भी स्टेट में लड़ाई नहीं होगा, कोई भी स्टेट में झगड़ा नहीं होगा, हर बच्चा पढ़ेगा। यहाँ के हम सरकारी स्कूल देखें, हमारे स्टेट में सरकारी स्कूल का हालत क्या है, यहाँ देखें ना, प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतर है, मेडिकल लाइन भी क्लियर है सब। बोले ना, दिल्ली का इतना जितना तारीफ़ किया जाए ना उतना कम है। इंटरनेट में जो देखते थे ना वो हकीकत है, इंटरनेट में हम फेक नहीं देखे दिल्ली के बारे में। यहाँ पे सब कुछ फ्री है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा हम हमारे झारखंड बिहार मतलब हर स्टेट में हम ऐसा ही सरकार को बोलना चाहेंगे, ऐसा ही सुविधा करें हर मुसाफिर के लिए भी, नॉर्मल पीपल के लिए भी जो रहते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ। बिहार से बस से आए हैं? बिहार नहीं सर, झारखंड। झारखंड से बस से आए हैं? हाँ सर, बस मतलब से यहाँ दिल्ली में आकर थकावट दूर हो गई आपकी? दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया दिल्ली में आके। अब आपकी मुराद जो है वहाँ पे बाबा वो पूरी, लेकिन हम सोचे थे दिल्ली में आए तो
सोचे निकलेंगे कल, लेकिन ऐसा आके ऐसा माहौल देखे, ऐसा खुश लग रहा है 10-15 दिन और रुक जाएं दिल्ली में। यहाँ से मेरा दिल लग गया है, जाने का मन नहीं कर रहा है। इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा चीज पहली बार देख रहे हैं सर। मतलब दिल्ली कैसी लगी आपको, दिल्ली पहले से मुकाबले कैसी लग रही है? दिल्ली हम आए थे 4-5 साल पहले, उस टाइम था अच्छा था, बट अभी 4-5 साल के बाद आए तो बहुत बेहतरीन हो गया, बहुत लाजवाब, एकदम अलग दिल्ली हो गया। मतलब सरकारें काम कर रही है, यहाँ की सरकार जितना काम कर रही है ना, पूरी इंडिया में हमारी जितने भी स्टेट है, कहीं की सरकार इतना काम नहीं कर रही है जितना यहाँ कर रही है। ये आदमी ऐसा ही आदमी, एजुकेटेड आदमी, पॉलिटिशियन हम लोग को चाहिए, हम लोग को लीडर चाहिए हर स्टेट में सब। पर सरकारें तो केजरीवाल को सर गालियां देते हैं, बोल नकारा करते हैं, सब चीज़ से वो करते हैं इस बारे में, तो वो सब सर गलत बात है, गलत बात। नहीं नहीं बोलते हैं ना कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये रहा दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। वो वो सब अंधभक्तों की बातें हैं, बस चंद पैसों के खातिर बिक जाते हैं, या फिर जो कट्टर आदमी रहते हैं धर्म को लेके, वो सब ऐसी बातें करते हैं। जो एजुकेटेड पीपल हैं, वो एजुकेटेड पीपल अपने फैसिलिटी को देखेंगे, सरकार जो डेवलपमेंट करती है उसको चाहेंगे, वो अपने स्टेट का डेवलपमेंट चाहेंगे अपने आप का। लेकिन जो दो चार मतलब 80% लोग ठीक है, जो 20% लोग हैं ना हमारे इंडिया के, वही सारे 80% को भी बेकार कर रहे हैं, और उसी के चक्कर में, और पॉलिटिशियंस भी ऐसे ही हैं। अगर ये केजरीवाल जैसे पॉलिटिशियंस आ जाएंगे तो हर एक आदमी अच्छा होगा, हर एक स्टेट अच्छा होगा, हर एक चीज़ इंडिया का अच्छा होगा। इंडिया इतना अमीर है ना, लेकिन क्या बोले, गरीबी इतना छा गया है ना, देखे करोड़ों रुपया आदमी के पास है, लेकिन वो सब और अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब है वो और गरीब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ देखें दिल्ली में सब मेंटेन्स है, कोई ज़्यादा गरीब भी नहीं है, कोई ज़्यादा अमीर भी नहीं है, सब धीरे में इक्वल में अपने। मतलब गरीब कैसे, मतलब गरीब की समझ नहीं आया, कैसे कैसे गरीब और कैसे अमीर, कैसे गरीब और अमीर। हाँ, मतलब गरीब कैसे लोग हो रहे हैं, मतलब कोई पूंजीपति लोग यहाँ, मतलब गरीब इसलिए नहीं हो रहा ना, क्योंकि यहाँ पे हम देखे तो यहाँ पे करप्शन नहीं मिला हमको, यहाँ सरकारी इस पे चीज भी ध्यान दे रही, करप्शन नहीं है, तो ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर भी होगा, ये एक पॉइंट है। ऐसा अगर हमारे स्टेट में हो गया कि करप्शन बहुत हो रहा है, तो गरीब का बच्चा ना नौकरी ले पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, आगे बढ़ पा रहा है, तो वो गरीब तो गरीब ही रह जाता है, जो अमीर है वो पैसा वैसा दे के अपना नौकरी ले लेता है, तो अमीर पे अमीर। आप दरगाह पे जा रहे हैं, कुछ करेंगे कि भाई सबको ऐसी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे कि इस तरह से काम हर सके, सरकार कर सके? नहीं, हम तो दरगाह के ही लिए निकले थे उसी इरादा से, लेकिन दिल्ली में आए ना तो दिल्ली का माहौल देख के ना मेरा दिल खुश हो गया। हम दिल्ली में जैसा सरकार देखे, जैसा यहाँ का सिस्टम देखे, मैनेजमेंट देखे ना, हमको ऐसा सिस्टम मैनेजमेंट अपने स्टेट में चाहिए ही चाहिए, और हर जगह चाहिए, पूरा इंडिया के हर स्टेट में चाहिए हमको। हमारा तो नाम पड़ेगा मोहम्मद मुन्ना खान। कहाँ से आए? हम पीरो से आए, जिला भजपुर जिला। अच्छा, कैसा बिहार से, दिल्ली से कैसा लग रहा है? अब हमको क्या बताएं, दिल्ली का केजरीवाल जी का देन है भैया। केजरीवाल जी क्यों सर, और भी तो सरकार नहीं, हमारा सरकार पहले भी था, शीला जी से भी था, इतना माने व्यवस्था नहीं था। कैसी व्यवस्था सर, उन्होंने गैस खाने का कर दिया, सारी चीज हमको व्यवस्था दे दिए है। जब हमारे केजरीवाल जी, जो हम लोग स्टोव पहले बनाते थे, अब स्टोव खत्म हो गया, खुद चूल्हा मिल गया, खाने का इति मिल गया, हर एक चीज़ बनाने के लिए, ये सब केजरीवाल जी का देन है। आज चेयरमैन का, चेयरमैन साहब कौन, इस्माइल भाई का। आज देखिए उन्होंने प्रोग्राम भी रखा, कव्वाली का प्रोग्राम रखा है, शायरी का प्रोग्राम रखा है, कितना मतलब बहुत खुशी है, रुकावट को दूर कर देता है, बहुत खुशी है। अब तब क्या बताएं आपको, बताइए, बहुत खुशी है। इतना प्रोग्राम हम लोग आला हजरत के दरबार में जा रहे हैं, ये सब देखते हुए हम लोग हारी थकैनी दूर हो गया यहीं पर।